अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर ज़ाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स अलॉन्ग विथ सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द types of enzymes। Dear students, जब हम बात करते हैं types of enzymes की, तो on the basis of chemical nature we will classify enzyme into two groups। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स प्रोटीनस नेचर हैं, मोस्ट ऑफ प्रोटीन पर बेस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स जो कि प्योरली मीन्स 100% डिपेंड करते हैं, 100% बेस करते हैं प्रोटीन्स पर, या 100% प्रोटीन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिंपल एंजाइम्स। दे आर कॉल्ड एज सिंपल एंजाइम्स। तो सिंपल एंजाइम कौन से हैं? दे आर प्योरली, और वी कैन से दैट प्योर प्रोटीन्स, विच मीन्स 100% प्रोटीन्स होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटियो एंजाइम्स, also called proteoenzymes। it means ye enzyme 100% protein molecules par mushtamil hote hain, aur is wajah se hum inhe naam dete hain simple enzymes, jisme ye active site जहाँ से ये सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है एंजाइम, वो हम पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ नेचर ऑफ एंजाइम में। तो हमने देखा कि वो एंजाइम जो 100% क्या है, प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड प्रोटियो एंजाइम्स। तो एग्जांपल हमारे पास है पेप्सिन एज वेल एज अमाइलेज। तो पेप्सिन एंड अमाइलेज वो एंजाइम है जो कि प्योरली प्रोटीन है, और यू नो वेरी वेल पेप्सिन हमारे पास स्टमक में पाया जाता है, और पेप्सिन का काम प्रोटीन्स को शॉर्ट पेप्टाइड्स में तोड़ना होता है, पेप्टाइड्स में, शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स में। और अमाइलेज यू नो वेरी वेल आपके सलाइवा के अंदर मौजूद है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस के साथ भी आता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेटाबॉलिज्म, आर वी कैन से दैट ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज एंड सक्रोज। ओके, तो ये हमारे पास वो एंजाइम है जो कि 100% प्रोटीन होते हैं। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द होलो एंजाइम्स, होलो एंजाइम्स, जिन्हें दूसरे लफ्जों में हम नाम देते हैं कंजुगेटेड एंजाइम्स, कंजुगेटेड एंजाइम्स का नाम भी देते हैं। याद रखिएगा, कंजुगेटेड एंजाइम वो एंजाइम है जो के कंजुगेटेड होते हैं, जिनमें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मौजूद होते हैं, एक पार्ट प्रोटीन और दूसरा पार्ट नॉन प्रोटीन, इसे हम कहते हैं कंजुगेटेड एंजाइम। और सबसे पहले इस एंजाइम को जो डिस्क्राइब किया था द साइंटिस्ट नेम वाज उलर इन 1932।
इसने कंजुगेटेड एंजाइम को एक्सप्लेन किया था और बताया था कि ये प्रोटीन्स और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों पर मुश्तमिल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एंजाइम, दिस इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, दिस इज द प्रोटीन पार्ट. अब याद रखिएगा, जो प्रोटीन पार्ट है इसे हम नाम देते हैं एपो एंजाइम, ओके. और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप. व्हाट वी कॉल प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंड इट इज नियर बाय 2%. एंड प्रोटीन पार्ट दैट मे बी नियर बाय अप टू 98% ऑफ द होलो एंजाइम. देन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज सब डिवाइडेड इंटू मीन्स नॉन प्रोटीन पार्ट्स ऑफ द होलो एंजाइम इज सब डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज. वो कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी हैं? वो कैटेगरीज हैं, दैट इज द को एंजाइम एंड को फैक्टर्स. याद रखिएगा, अगर तो नॉन प्रोटीन पार्ट क्या है? ऑर्गेनिक है. ऑर्गेनिक, जैसा कि एग्जाम्पल हमारे पास NAD, FAD, NADH एक्सेट्रा, एज वेल एज विटामिन्स, दीज आर दी ऑर्गेनिक पार्ट्स एंड दे आर कॉल्ड एज को एंजाइम्स. एंड इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज inorganic, what? Inorganic, then it is called as cofactor. Like that magnesium, like that calcium, like that zinc, like that etc. कोई भी elements, metal में especially, that is the cofactor. अब किसी भी एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर भी हो सकता है एज अ इनऑर्गेनिक, और कोई एंजाइम भी हो सकता है एज अ ऑर्गेनिक. तो इसलिए प्रोस्थेटिक ग्रुप जिस एंजाइम के साथ मौजूद है, दैट इज कॉल्ड होलो और कंजुगेटेड एंजाइम. मींस प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट. इसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स आती हैं होलो एंजाइम्स की, जिनमें हमारे पास जो है वो पेप्टाइडेज है, एज वेल एज जो है वो कीमोट्रिप्सिन है, और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो के कंजुगेटेड एंजाइम है, जो अपने साथ क्या रखते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट भी रखते हैं. तो दे आर कॉल्ड एज दी होलो आर कंजुगेटेड एंजाइम्स. ये तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हमने प्योर प्रोटीन्स और जो है वो नॉन प्योर, आर वी कैन से दैट विथ कंजुगेटेड ग्रुप्स एंजाइम को क्लासिफाई किया एज अ होलो एंजाइम्स एज वेल एज अ दी सिंपल एंजाइम्स.